हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल मैक्सवेल स्टडी हब। सो नाउ वी आर गोइंग टू कंटिन्यू आवर चैप्टर नंबर 5 प्रेसिपिटेशन। अब तक हम लोगों ने प्रेसिपिटेशन का हैज रेनफॉल हमने सारे टाइप्स पढ़ लिए। वी हैव लर्नड अबाउट द 3 टाइप्स, कन्वेंशनल, ओरोग्राफिक एंड साइक्लोनिक। अब हम नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द प्रेसिपिटेशन ऑफ स्नो। अब हम देखेंगे कि स्नो यानी कि जब हमने प्रेसिपिटेशन का डेफिनेशन देखा था, सो हमने क्या पढ़ा कि वाटरफॉल्स इन द सॉलिड और लिक्विड स्टेट, यानी कि वाटरफॉल होगा फ्रॉम द क्लाउड फ्रॉम द हायर एलिवेशन टू द ग्राउंड, फ्रॉम द हायर एटमोस्फेरिक लेवल टू द एटमोस्फेरिक लेवल 1 टू द ग्राउंड, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड और लिक्विड। यानी कि लिक्विड वाला मीडियम हमने पढ़ लिया रेनफॉल, जहां हमने तीनों लिक्विड वाले मीडियम पढ़े। अब हम पढ़ेंगे प्रेसिपिटेशन सॉलिड में जो होता है, ठीक है, सॉलिड स्टेट में होगा वो हम पढ़ेंगे। और आज हम एक नए प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। अब तक हमने इवापोरेशन के बारे में स्टडी किया, अब तक हमने कंडेंसेशन के बारे में स्टडी किया, अब हम पढ़ेंगे अबाउट द सब्लिमेशन, ठीक है। अब हम सब्लिमेशन के बारे में पढ़ेंगे। सो अगेन यहां पर सेम स्ट्रक्चर, सेम चीजें, मैंने जानबूझ के आपको रेनफॉल वाला पहले बताया बिकॉज अब आपको चीजें समझने में काफी ज्यादा ईजियर हो जाएगा, ठीक है। अगेन अर्थ सरफेस एटमोस्फेरिक लेवल 1, ठीक है, हायर द टेम्परेचर हायर द इवापोरेशन रेट, विच यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द प्रीवियस स्टैंडर्ड क्लास 8, आपने ह्यूमिडिटी के अंदर पढ़ा था हायर द प्रेशर, ठीक है, हायर द इवापोरेशन रेट। सो टेम्परेचर ज्यादा होगा तो इवापोरेशन रेट भी ज्यादा होगा। तो एटमोस्फेरिक लेवल 1 पे वाटर सारे के सारे जो भी है वाटर्स, वो वाटर क्या कर रहे हैं, वेपराइज हो रहे हैं, यानी कि इवापोरेशन टेक प्लेस हो रहा है, जहां क्या हो रहा है कि जो हमारा वाटर है यानी कि जो हमारा लिक्विड है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, गैसेस में कन्वर्ट हो रहा है, और इसका वाइस वर्सा, ठीक है, गैसेस में कन्वर्ट हो रहा है और इसका वाइस वर्सा अगर होगा, यानी गैस अगर लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा कंडेंसेशन, ठीक है। ये दो चीजें अब तक हमने पढ़ी थी, तो सेम चीजें प्रोसेस होगा यहां पर। एटमोस्फेरिक लेवल 1 पे वेपराइज होगा, इवापोरेशन होगा, यहां पर टेक प्लेस होगा। आप देख सकते हो द रेड मार्क, द रेड लाइन, ठीक है, ये डिनोट कर रहा है विंड के फ्लो को, द विंड, द मूवमेंट ऑफ द विंड, द मूवमेंट ऑफ द विंड, द फ्लो ऑफ द विंड इज अपवर्ड, ठीक है, अपवर्ड की तरफ है, ऊपर की तरफ है। जैसे ही अपवर्ड फ्लो की वजह से ये जो वेपर्स हैं ये एटमोस्फेरिक लेवल 2 पे जाकर वेपर्स मिल जाएंगे किससे, क्लाउड से, ठीक है, तो क्लाउड्स में जाके अट्रैक्ट हो जाएंगे। यहां पर टेम्परेचर जो होगा वो लो होगा कंपैरेटिवली टू द एटमोस्फेरिक लेवल 1, ठीक है। देन ये विंड का मूवमेंट होने के वजह से, अपवर्ड फ्लो होने के वजह से, ठीक है, क्या होगा कि ये क्लाउड्स अगेन एटमोस्फेरिक लेवल 2 से दे विल मूव ऑन टू एटमोस्फेरिक लेवल 3, ये एटमोस्फेरिक लेवल 3 पे पहुंच जाएंगे। अब होगा क्या यहां पर, देखो यहां तक तो सारी चीजें रेनफॉल तक सेम था, ठीक है, अब जो चेंजेस होगा वो चेंज यहां होने वाला है। अब यहां चेंज होगा क्या कि जब हमने पढ़ा कि इवापोरेशन में लिक्विड गैस में चेंज होता है, कंडेंसेशन में गैस लिक्विड में चेंज होता है, तो सर सब्लिमेशन क्या होता है? सो सब्लिमेशन इज द प्रोसेस वेयर गैसेस स्टेट कन्वर्ट्स इनटू द सॉलिड और सॉलिड स्टेट्स कन्वर्ट डायरेक्टली टू द गैसेस विदाउट गोइंग टू द लिक्विड इन स्टेट, ठीक है। आप लोगों ने लोअर स्टैंडर्ड में साइंस में पढ़ा है कि देर आर 3 स्टेट्स, ठीक है, मोस्टली मेन 3 स्टेट्स होते हैं, जैसे सॉलिड होता है, गैस होता है और लिक्विड होता है, ठीक है। सॉलिड पहले आएगा, देन लिक्विड आएगा, देन गैसेस आएगा, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। तो सॉलिड से चीजें लिक्विड में जाती है, लिक्विड से चीजें गैसेस में आती है। तो यहां पर हो क्या रहा है कि वेपराइज में लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है, गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। कंडेंसेशन में होता क्या है कि सब्लिमेशन में होता क्या है कि जितने भी गैस होते हैं यानी गैसेस जो है वो डायरेक्टली सॉलिड बन रहा है विदाउट गोइंग टू लिक्विड। जो लिक्विड मीडियम है वो लिक्विड मीडियम वो स्किप कर रहा है, यानी कि अगर मैं बोलता हूं, अगर आपको एग्जांपल लेता हूं आइस, ठीक है, अगर मुझे आइस जमाना है जो कि कौन से स्टेट में है, वो सॉलिड स्टेट में है, तो मैं करूंगा क्या कि मैं सबसे पहले पानी को फ्रीज करूंगा, मैं पानी को यानी कि गैसेस को सबसे पहले मैं कंडेंस करूंगा, ठीक है, और लिक्विड में लाऊंगा। लिक्विड में जब पानी आ जाएगा तो पानी को मैं जमाऊंगा, ठीक है, उसको सॉलिड में लाने की कोशिश करूंगा। तो मैं एक प्रोसेस के थ्रू जा रहा हूं, बट यहां क्या हो रहा है कि गैस
बिना लिक्विड में स्टेट में गए डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है. सच प्रोसेस इज नोन एज सब्लिमेशन. सब्लिमेशन इज द प्रोसेस वेयर गैसेस कन्वर्ट टू सॉलिड विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड. ठीक है, और वाइस वर्सा वेयर सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू द गैसेस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड. ठीक है, तो वही क्लाउड के साथ होता है कि जब एटमोस्फेरिक लेवल 3 पे जाता है तो यहां कंडेंसेशन नहीं होता. अब यहां कंडेंसेशन क्यों नहीं होता? बिकॉज यहां का टेम्परेचर ठंडा नहीं, काफी ज्यादा ठंडा है. यानी कि जो टेम्परेचर है यहां का वो फ्रीजिंग पॉइंट में है. कैसा है? फ्रीजिंग पॉइंट. बिकॉज ऑफ द फ्रीजिंग पॉइंट, बिकॉज ऑफ द चीलिंग टेम्परेचर, फ्रीजिंग टेम्परेचर, यह द वेपर्स, द गैसेस वेपर डायरेक्टली कन्वर्ट्स इनटू द सॉलिड दैट इज नोन एज स्नो. ठीक है, इसलिए आप लोग जब स्नो देखते हो, स्नो फॉल होता है, तो स्नो बहुत ही सॉफ्ट होता है. ठीक है, वो रुई की तरह लगता है, एक कॉटन की तरह लगता है, सॉफ्ट. बिकॉज ये वेपर्स जो थे वो लिक्विड अगर सॉलिड में कन्वर्ट होता तो वो हार्ड इन नेचर होता. बट सिंस वेपर कन्वर्ट हुआ है किसमें? सॉलिड में, इसलिए यहां पर सब्लिमेशन हुआ है. इसलिए स्नो लाइटर इन वेट होता है, और लाइटर इन वेट के साथ स्नो जो होता है लाइटर इन वेट के साथ वो बोलते हैं ना कि एकदम बहुत ही ज्यादा मऊ भी होता है, यानी कि कॉटन की तरह होता है वो. ठीक है, तो ये था हमारा प्रेसिपिटेशन ऑफ द स्नो. ठीक है, और इसी के साथ हमने हमारा प्रेसिपिटेशन ऑफ स्नो कवर कंप्लीट किया, और हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ेंगे अबाउट द प्रेसिपिटेशन ऑफ हेलस्टोन, जहां हम हेलस्टोन के प्रेसिपिटेशन के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं. होप आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ में आया होगा. यहां पर एक ही चीजें हैं, चेंज जो है वो एटमोस्फेरिक लेवल 3 पे है, कंडेंसेशन के बदले सब्लिमेशन होगा, और जो स्नो होंगे वो स्नो मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी खत्म होने के बाद वो प्रेसिपिटेट करके नीचे ग्राउंड के टुवर्ड्स आ जाएंगे एज अ स्नो. ठीक है, सो आपको करना क्या है, अगेन सेम चीज आई एम गोइंग टू रिपीट, प्लीज मेक द प्रॉपर नोट्स एंड स्टडी हार्ड. ठीक है, सो तब तक के लिए प्लीज लाइक कमेंट्स एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.